व्हाट्सअप। सो फरहान खान भाई का नया गाना आ गया, गाने का नाम है रुदाली। रुदाली बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है। रुदाली का बेसिकली आपको मतलब बता दो कि राजस्थान में एक प्रथा टाइप की होती है कि जब भी किसी की डेथ होती है तो एक ग्रुप ऑफ वुमेन को बुलाया जाता है, उनका नाम होता है रुदाली, जो कि शोक मनाती है, मतलब वो रोने के लिए बुलाई जाती है जब किसी की डेथ होती है। एंड जब मैं इसका गाने का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा है फरहान ब्रीज न्यू लाइफ इन टू द एज ओल्ड रुदाली नैरेटिव मेकिंग द एंड ऑफ द आइकॉनिक खान साहब कैरेक्टर। डैम फरहान खान का खान साहब कैरेक्टर क्या बढ़िया, व्हाइट सूट एंड एवरीथिंग पहन के भाई आता था, क्या स्टाइल, मजा आया था मुझे फरहान को देख के। तो बाकी सारी बातें बाद में, लेट्स सी कि रुदाली में क्या है। तो बड़े हिट बम, जरा प्रकट हो जाओ। ओ यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। लिबर्टी सर्विस भाई साहब, क्या एस्थेटिक मेंटेन कर रहे हैं यहां पे वीडियो के। देखो एक चीज बोलना चाहूंगा, ये मैं हर उस गाने में बोलूंगा जिसमें मुझे ये चीज फील होगी, भाई मेरे को पर्सनली तब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब फोक म्यूजिक और हिप हॉप म्यूजिक का फ्यूजन होता है ना, तो कुछ अलग ही आता है। एंड दिस इज साउंडिंग सो कूल। बड़े दिनों से खुद को मुस्कुराता देखा नहीं, दिल चुराए कितनों के पर खुद को ही समेटा नहीं। गमों की झील में हूँ, गर्दन तक मैं डूबा, सर है ऊपर फिर भी क्योंकि रिश्ता अब किससे है गहरा नहीं, अब जुदा हूँ। डैम डैम डैम, रुक जाओ भाई, यही है ना फरहान खान के साथ, यही वाली चीज है कि फरहान खान के गानों में अगर तुम्हें बार्स ना मिले तो ये बिल्कुल वही हो जाएगा जैसे तुम्हें बिरयानी में जो है ना गोश्त का पीस ना मिले, हो ही नहीं सकता। फरहान के गाने में आपको एक से एक फाड़ू बार्स मिलेंगे, रिलेटेबल बार्स, गहरी बात है। सुनो अब एक बार को एंजॉय करके आगे चलेंगे भाई। बड़े दिनों से खुद को मुस्कुराता देखा नहीं, दिल चुराए कितनों के पर खुद को ही समेटा, दिल चुराए कितनों के पर खुद को ही समेटा नहीं। कितनों लोग मेरे काम से खुश हैं, सब मेरे फैंस हैं, है ना, लेकिन अपने आप को ही मैं आज तक कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, अपने केयर नहीं कर पा रहा हूँ। गमों की झील में हूँ, गर्दन तक मैं डूबा, सर है ऊपर फिर भी क्योंकि रिश्ता अब किससे है गहरा नहीं, अब ये गमों की झील में मैं हूँ डूबा लेकिन सर ऊपर है, ऊपर क्योंकि अब रिश्ता किसी से गहरा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं किसी और के साथ अगर गहरा रिश्ता होगा देन आई विल बी लुकिंग डाउन एंड फीलिंग सैड, कंफ्यूज, परेशान, लेकिन नाउ आई एम फीलिंग अपवर्ड्स क्योंकि लुकिंग अपवर्ड्स क्योंकि अब मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। जुदा हूं, तू कहता फिकर मेरी, मैं कहता झूठा तू, मैं रास्ता भूला हूं, मुझको कब्र तक ही पहुंचा दे मेरे खुदा तू, क्यों इतना खफा तू, अब मेरे साथ जाम पी, दिल का हाल अपने सुना तू, मेरे खुदा तू, क्यों इतना खफा तू, अब साथ बैठ थोड़ी सुन, थोड़ा सुना तू, मेरे खुदा तू, या मेरे खुदा तू, क्या तेरे लिए भी हराम जो मेरे लिए है, कैसा कोई है मुकाम जो मेरे लिए है, मैं मेरे घुटनों पे गुलाम तेरे लिए, क्या कोई यहाँ पे खुशी का बाजार मेरे लिए, मेरी दुआ। ओह मैन, एक तो मुझे एक चीज बहुत बहुत इंट्रीग कर रही है इस गाने में, वो ये कि फरहान के को घेर रखा है रुदालियों ने, सो समझ रहे हो, रुदाली तो तब आएंगे ना जब शोक मनाना होगा, तो फरहान इनसे सराउंडेड है, इसकी लाइफ ऐसा चल रहा है, जो भी आर ऑन माय, लेट्स सी हाउ दिस वीडियोस गो। मेरे लिए है, कैसे कोई है मुकाम जो मेरे लिए है, मैं मेरे घुटनों पे गुलाम तेरे लिए, क्या कोई यहाँ पे खुशी का बाजार मेरे लिए, कोई बाजार है खुशी का जहाँ से मैं खरीद सकता हूँ, पैसा तो बहुत है बट खुशी कोई ऐसी जगह जहाँ से खरीद के मिल जाती है। मेरी दुआ और अजान तेरे लिए, कोई दिल है जिसमें बेशुमार प्यार या मेरे लिए है, मेरे रोजे और नमाज भी है तेरे जिससे सुन के लौटू, क्या कोई आवाज मेरे लिए है, मेरी रूह मेरा ही लौटू, क्या कोई आवाज मेरे लिए, क्या मुझे पुकार भी रहा है, क्या कुछ है ऐसा जिससे मैं कनेक्टेड फील कर सकता हूँ, ना खुशी है ना कोई रिश्ता है ना, कोई नहीं है मेरे पास अभी, ये वाला स्टेट ऑफ माइंड, जिससे सुन के लौटू, क्या कोई आवाज मेरे लिए है, मेरी रूह मेरा ईमान तेरे लिए, मुझे राह दिखा दे, क्या कोई निशान मेरे लिए है, तू तो पहले से खुदा है दिल में बसता पर थोड़ी है जगह, क्या कोई इंसान। भाई मैं तो एक चीज बताऊंगा भाई, देखो जीवन में ऐसे बहुत कम गाने हैं है ना जो मैं सुनता हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत गहरा फील होता है, ठीक है, देयर इज अ रॉक सॉन्ग है ना, गाने का नाम है इवन फ्लो, है ना, इवन फ्लो किसका था, पर्ल जैम का है ना, वो गाना मुझे बहुत ज्यादा टच करता है, अब ये गाना मुझे बहुत टच कर रहा है क्योंकि इसमें, क्योंकि कभी कभी लाइफ में वाला स्टेट ऑफ माइंड आता भाई मेरा जब मुझे सब समझना बंद हो जाता है, जब मुझे लगता है कि मैं, मेरा अस्तित्व क्या है इस दुनिया में, मैं क्यों हूँ,
ठीक है, मैं क्यों हूं। तो जब भी मैं ऐसा फील करूंगा ना कि मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, कौन है मेरा, कौन नहीं है, क्या दोस्ती है, क्या ये वो, क्या रिश्ते, क्यों ये वर्ल्ड, जब सेंस नहीं बनाएगी ना, उस समय ये गाना मेरे लिए बहुत सेंस बनाने वाला है। मेरी रूह मेरा ईमान तेरे लिए, मुझे राह दिखा दे, क्या कोई निशान मेरे लिए है, तू तो पहले से खुदा है, दिल में बसता पर थोड़ी है जगह, क्या कोई इंसान मेरे लिए है। खुदा तो है ही है, थोड़ी सी जगह, बट क्या कोई इंसान है जो यहाँ आ भी सकता है, ऐसा कुछ है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब ऐसा लगेगा कि दुनिया में कुछ समझ नहीं आएगा, तब ये गाना बहुत समझ आने वाला भाई। देख के मुझे लग रहा है कि जैसे कि ये रियल रुदाली हैं, ठीक है, मुझे ऐसा पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी ये कॉस्ट्यूम, बट ये ऑथेंटिक फीमेल फ्रॉम राजस्थान के वैसे एरिया की लग रही हैं, रूरल एरिया की लग रही हैं, है ना। सो आई डोंट नो मैन, तू खुदा सबका बंदे की बस साथ तेरे लिए, जो पूरा हो क्या ऐसा कोई है ख्वाब मेरे लिए, चांद तारे सब नजारे आफ्ताब तेरे लिए, नहीं है सोना तन्हा आज रात जाग मेरे लिए, मुझसे बातें कर, खाली हूँ मैं सांसें भर, और जो मारा गया तो करना नहीं मेरी आंखें बंद, देखना हूँ चाहता कौन है आता मेरे जाते वक्त, माँ को देना हौसला खुदा मेरे जनाजे। अरे भाई यार क्या लाइन लिखी है वाली, कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें ना बंद करना, मेरे को देखना कि मेरे जनाजे में कौन आएगा। ठीक है, बंदा कितना ट्रबल्ड है, एंड व्हाट द फक ब्रो, लाइक पूरा गाना सवालों से भरा हुआ है, और वो सवाल खाली इस चीज पे है, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, क्या लग रहा है ब्रो, लाइक बस साथ तेरे लिए, जो पूरा हो क्या ऐसा कोई है ख्वाब मेरे लिए, चांद तारे सब नजारे आफ्ताब तेरे लिए, नहीं है सोना तन्हा आज रात जाग मेरे लिए, मुझसे बातें कर, खाली हूँ मैं सांसें भर, और जो मारा गया तो करना नहीं मेरी आंखें बंद, देखना हूँ चाहता कौन है आता मेरे जाते वक्त, माँ को देना हौसला खुदा मेरे जनाजे पर आके बस। तूने दी कला मैंने लिखा और न करा कुछ, फिर लिख के बेचा उसको बना दिया बाजारू, मैं दर्द दिल लिखूं तो ना मिलेगा नफा, क्यों आ मेरे साथ बैठ, मैं दर्द दिल लिखूं तो ना मिलेगा नफा क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है जब मैं दिल की बातें कर रहा हूँ, है ना, तो उसका मुझे फायदा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो ओपन कर रहा हूँ ना अपने आप को यहाँ, दिया बाजारू, मैं दर्द दिल लिखूं तो ना मिलेगा नफा, क्यों आ मेरे साथ बैठ खुदा कुछ तो अपनी सुना, तू सबके अंदर बसता हर इंसान तेरे लिए, टूटा ही सही पर क्या कोई मकान मेरे लिए, हूँ अंधेरों में रोशन करना है घर को। यार मजा आ रहा भाई, क्या यार पूरा गाना शायरियों से भर दिया है भाई, शेर 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 पूरे गाने, मुझे याली फील आ रही है भाई, है ना, ये सब अर्बन पोएट है भाई साहब, ठीक है, तो है ना, तुम भले इनको शायर ना मानो, है ना, लेकिन ये आज के शायर ही हैं, ठीक है, और क्या गहरी बातें लिख रहा है बंदा, लाइक पूरे गाने पे इसने खाली यही भर रखा है, जब इसको सब चीज पे एक क्वेश्चन मार्क है ना खड़ा हो गया है, एंड जब बहुत ज्यादा आदमी परेशान होगा ना भाई, तब ये गाना बहुत परेशान करने वाला है भाई, लाइक हर चीज पे सवाल 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 सवाल, मेरे साथ बैठ खुदा कुछ तो अपनी सुना, तू सबके अंदर बसता हर इंसान तेरे लिए, टूटा ही सही पर क्या कोई मकान मेरे लिए, हूँ अंधेरों में रोशन करना है घर को मेरे मौला, सदा जलता रहूं ऐसा कोई अजाब मेरे लिए, दुनिया गुलिस्ता है उसकी सब बहार तेरे लिए, खुशबू जिंदगी की क्या कहीं उद्धार मेरे लिए, तू है दुनिया, मतलब वो ये एक कॉन्ट्रास्ट बिठा रहा है भाई, की भगवान के लिए क्या क्या है, ठीक है, वो जैसे एक लाइन और आई थी है ना, उसमें कुछ बोलता है कि मेरे दिल में तो आप हो, है ना, और ये भी है ना, फिर आगे बोलता है कि मैं तो बस बंदे की, इंसान की जात तेरे लिए, मैं तो आपके लिए बस एक इंसान हूँ, राइट, है ना, यहाँ पे ये लाइन सुनना भाई, ना है घर को मेरे मौला, सदा जलता रहूं ऐसा कोई अजाब मेरे लिए, दुनिया गुलिस्ता है उसकी सब बहार तेरे लिए, तेरे लिए तो ये सब है, खुशबू जिंदगी की क्या कहीं उद्धार मेरे लिए, उद्धार की खुशबू भी है, तू है देने वाला रहमत है उतार मेरे लिए, या फिर पास बुला अपनी दे पुकार मेरे लिए खुदा। Now the description is making sense, bro. Making the end of an iconic Khan Saab character era. और ये white suit हमेशा फरहान ने अपने गानों में वो जो खान साहब का character बनाया था उसमें पहना है, और अब ये अपने हाथों से जला रहा है, तो ये इस character को मार रहा है, इसलिए रुदालियों को बुलाया गया है। ओ, तो आई थिंक फरहान का नया फेज शुरू होगा, एंड ही इज एंडिंग दिस कंप्लीटली।
इसलिए गाने का नाम है रुदा। ओके मैन, अब समझ आया कि चल क्या रहा है। ओके लिए या फिर पास बुला अपनी दे पुकार मेरे लिए खुदा। बीट प्रोड्यूस करी है मिस्टर डॉस ने, ठीक है। देखो एंड में रुदाली रो रहे हैं। So, इस गाने की एक इंसान की तारीफ जरूर करनी चाहिए, वो है मिस्टर डॉस, जो इस गाने की बैकबोन बन के निकल गया है, क्योंकि जो एक एक सीरीन टाइप की बीट बनाई, ठीक है, ना सैड ना हैप्पी, है ना, नंब वाली फीलिंग देने वाली बीट, है ना, तब क्योंकि वो गाने का फील ही वही था जब बंदा यहां से नंब हो चुका है, ही इज एंडिंग मेनी थिंग्स, है ना, खूब सारे सवालों के साथ वो एक एरा को खत्म कर रहा है, है ना। और मिस्टर डॉस ने बहुत बढ़िया बीट बनाया, उसके ऊपर जो राजस्थानी वोकल्स चल रहे थे बहुत बढ़िया साउंड कर रहे थे, लाइक ये एक बहुत क्लासी टाइप के गाने बन जाते हैं, नहीं कभी कभी, है ना, जब ऐसे ऐसा साउंड बनता, मतलब मैं इस गाने को कितने बाहर के सेट्स हैं, जैसे कि टाइनी डेस्क कॉन्सर्ट, ठीक है ना, मैं इसमें इमेजिन कर सकता हूँ कि फरहान इज परफॉर्मिंग दिस सॉन्ग अपने बैंड के साथ, ठीक है, वहां पे कुछ फीमेल्स जो राजस्थानी वो ये गा रहे हो, फरहान वहां पे परफॉर्म कर रहा है ना। डैम ब्रो, कभी ऐसा देख रहे हो मिले कि फरहान खान टाइनी डेस्क कॉन्सर्ट इस टाइप की जगह परफॉर्म करे, बिकॉज मुझे लगता है कि ये आर्टिस्ट उस लेवल पे जाता है, ठीक है, ही इज अ डेफिनेटली अ रैपर जिसकी बार्स 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 बहुत सॉलिड होते हैं, बट I don't know man, है ना, आई सी अ डिफरेंट साइड ऑफ हिप हॉप when आई सी आर्टिस्ट लाइक फरहान खान, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हिप हॉप का जो हमेशा का एक तरीका है, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर्स बनाए जा रहे हैं, कैरेक्टर बाहर भी होते हैं लेकिन यहाँ पे खाली वो हिप हॉप के जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कैरेक्टर है वो नहीं, यहाँ पे एक अलग कैरेक्टर बनाया जा रहा है, उसकी अपनी बातें हैं, लिखाई के तरीके अलग हैं, ठीक है, सोच अलग है, बातें अलग, तो यस बोल दिया भाई मैंने, बहुत प्यारा गाना बनाया। मैंने बताया कि मेरे बहुत पर्सनल गानों की जो लिस्ट है उस लिस्ट में ये गाना जाएगा, और जब मैं बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे मेरे मन में दुनिया को लेके, तब ये गाना मेरे को शायद थोड़ा शांत कर पाएगा, मैं बहुत रिलेट करूँगा इस गाने से, अभी मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ, मतलब आई नो माई वीक मूमेंट्स, है ना, जब मैं परेशान हो जाता हूँ, है ना, तब ये गाना सुन के आई थिंक मेरे दिल को बहुत सुकून आएगा। वेरी गुड जॉब, बहुत बढ़िया गाना। वीडियो टीम, मैंने वीडियो टीम की ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन जो गाने में चाहिए था बहुत अच्छे दिया। द ओपनिंग शॉट वॉज ब्यूटिफुल, है ना, जहाँ पे दिखाया था कि वो घिरे हुए थे, जो भी जगह थी वो, जो भी महल, जो भी किला था जहाँ पे वो खड़े हुए थे, एंड पूरे टाइम रुदाली उनके साथ चली थी, जब एंड हुआ तो रुदाली रो रही थी बिकॉज वो कैरेक्टर की कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, मजा आया मेरे को। आप लोग बताओ भाई कैसा लगा, मेरी जनता तो मुझे पता अच्छा ही लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो गो एंड शो सम लव टू फरहान, है ना, उनको बताइए कि आपको उनका गाना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, जो भी है ना, अपना ओरिजिनल फीडबैक भाई को दो। एंड मिस्टर डॉस, वेरी गुड जॉब, वीडियो टीम डिड अमेजिंग जॉब भाई। सो यस, जो भी है कमेंट्स में बताइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आईडी का नाम है @thereateofakino। बाय, पीस।